हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। 15 अगस्त 2020 के दिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। वैसे तो कयास काफी पहले से लगाए जा रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी अब शायद ब्लू जर्सी में नजर ना आए, और 15 अगस्त के दिन महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान कर दिया कि अब वो क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। लेकिन क्या इसके पीछे धोनी की कोई मजबूरी थी, आइए आपको बताते हैं। अब से करीब 7 महीने पहले बीसीसीआई की ओर से सालाना कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की एक लिस्ट जारी की गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस लिस्ट में एमएस धोनी का नाम गायब था। तभी से करीब करीब ये तय हो गया था कि धोनी अब आईपीएल भले ही कितना खेल लें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी अब नहीं होने वाली। उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई ने 27 खिलाड़ियों को जगह दी थी, लेकिन एमएस धोनी नहीं थे। धोनी इससे पहले ए ग्रेड में शामिल थे। इस लिस्ट को लेकर तब इस तरह के कयास भी लगाए गए, लेकिन अब धोनी ने संन्यास लेकर सभी कयासों को एक तरह से विराम दे दिया है। बीसीसीआई ने जब अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की थी तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं था, और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब धोनी ब्लू जर्सी में नजर नहीं आएंगे। हालांकि धोनी की तरफ से ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी। वहीं बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी होने के बाद क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताते हैं। जब बीसीसीआई ने लिस्ट जारी की थी तब बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय अनुबंध का देश के लिए खेलने से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी ने कहा था कि धोनी अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा था कि बात को सीधे तरीके से लीजिए, अनुबंध मिलना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप देश के लिए खेल सकते हैं या नहीं। नियमित खिलाड़ियों को अनुबंध दिए जाते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो धोनी वनडे विश्व कप 2019 के बाद से ही नहीं खेले हैं, इसलिए उनका नाम अनुबंध में नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई इसे रास्ते बंद होने और चयनकर्ताओं से संकेत मिलने की तरफ देखता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब धोनी की इंटरनेशनल पारी यहीं पर खत्म हो गई है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई में आके अपने संन्यास का ऐलान कर दिया, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में अपनी फिटनेस को साबित करेंगे और फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा पेश करेंगे। एकाएक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला लेकर धोनी ने साफ कर दिया कि वो युवाओं के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। अगर धोनी संन्यास का ऐलान नहीं करते तो ऋषभ पंत, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों पर आईपीएल में दबाव होता। बताया जाता है कि साल ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप होना था और धोनी उसके लिए अपने आप को फिट रख रहे थे, लेकिन उसके 2021 तक खिसकने के कारण उन्होंने फैसला लिया। निश्चित तौर पर अब ऋषभ पंत को विकेटकीपर के तौर पर और मौका मिलेगा। आपको बता दें कि धोनी और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली में गजब का रिश्ता है। जब सौरव गांगुली टीम इंडिया के कप्तान थे तब धोनी ने इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और अब वही सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अब धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सौरव गांगुली ने ही धोनी को टीम में शामिल कराया और यहां तक कि अपनी नंबर 3 की पोजीशन पर भी धोनी को उतारा, जिसके बाद धोनी का सितारा चमका। वहीं सौरव गांगुली कहीं खोते से चले गए, पहले उनकी कप्तानी गई और फिर टीम से भी वो हाथ धो बैठे। इसको लेकर धोनी और सौरव गांगुली के रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं हुई। इधर धोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचा रहे थे, तो उधर संन्यास के बाद दादा बतौर कमेंटेटर, एक्सपर्ट और क्रिकेट प्रशासक खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे थे। कभी अचानक कप्तानी छोड़ देते तो कभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर देते। 2015 से 2019 तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहने के बाद सौरव गांगुली ने उसी साल बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाला। जब धोनी की कप्तानी में सौरव गांगुली ने साल 1992 से चले आ रहे 16 साल पुराने करियर पर विराम लगाया था, तब माही ने भी इतने ही साल खेलकर गांगुली की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई के सामने अपना त्यागपत्र सौंपा। ये सहयोग भी हो सकता है। तो धोनी ने बेशक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली हो, लेकिन आईपीएल में वो येलो जर्सी में नजर आते रहेंगे और अपना जलवा दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनफॉर्मल चैट्स, लंबा लंबा ज्ञान, इतना लंबा वीडियो आखिर कब तक? पॉइंट पे आओ ना यार, मुझे बेकार का ज्ञान नहीं सटीक खबर चाहिए। अगर आप भी इनकी तरह बोरिंग चैट्स और लंबे लंबे वीडियोस से परेशान हैं तो सब्सक्राइब करें एनएन स्पोर्ट्स।